हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली साड़ी के लिए पोनीटेल हेयर स्टाइल, ब्यूटीफुल पोनीटेल हेयर स्टाइल। अगर आप साड़ी पहनते हो और प्रोफेशनल लुक चाहते हो तो कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल आप कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते। वैसे तो स्टार्ट है वीडियो, तो मैंने इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टीशन की है बालों की, एंड गर्मियों के लिए मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गर्मियों में इस तरीके से मेकअप करोगे तो मेकअप बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा एंड बिल्कुल भी फटेगा नहीं एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इस तरीके से मैंने हेयर को लिया था एंड क्राउन एरिया के हेयर को थोड़ा सा इस तरीके से पुल किया है फ्रंट की तरफ से कॉम करके, आगे की तरफ इस तरीके से पुल करेंगे एंड बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। काफ़ी प्यारा हेयर स्टाइल बनने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मेरा फाइनल लुक भी फुल लुक देखने को मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो इस तरीके से मैंने पफ बना लिया है छोटा सा एंड अच्छे से क्लिप लगा के सेट कर लेंगे पहले बालों को। ओके, तो यहाँ पे मैं सेंटर पार्टीशन से कर रही हूँ, आपको जैसी पार्टीशन चाहिए वैसे आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा बालों का लेयर लिया, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है और कुछ इस तरीके से, ये देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया। आगे वाले पार्ट्स को ऊपर की तरफ से ले जाएंगे, पीछे वाले को नीचे की तरफ से इस तरीके से ट्विस्ट करके नीचे वाले को छोड़ देंगे। फिर उसी लेयर्स के साथ मिला मिला के ट्विस्टिंग को जारी रखेंगे एंड तक, ईयर के ईयर तक अपने, यानी कि कानों तक। तो इस तरीके से ट्विस्टिंग करते जाएंगे। और मैं नोएडा दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी हूँ एंड यहाँ का व्लॉग मेरे सेकंड चैनल पे प्रीति वाई टू पे डे बाई डे जा रहा है, तो आप जाके प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको ट्विस्टिंग करते जानी है। ट्विस्टिंग करते टाइम जैसे मैंने हाथों को ऊपर की तरफ रखा है ऐसे ही रखिए, और मांग नहीं दिखनी चाहिए, स्कैल्प दिखता है तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने जहाँ पर पहले क्लिप लगाए थे वहाँ तक हेयर को लेके जाऊँगी और वहीं पे क्लिप से इसको सिक्योर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्लिप निकाल रही थी और एक हाथ से निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा दिया है क्लिप को एंड ट्विस्टिंग को सेट कर लिया है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको ट्विस्टिंग करनी है। तो इस तरीके से मैं आगे को दिखाती हूँ एंड फ्रंट के बालों को ऊपर की तरफ और बैक के बालों को नीचे की तरफ से इस तरीके से निकालते जाएंगे और लेयर के साथ मिक्स करते जाएंगे और ट्विस्टिंग को कंप्लीट करेंगे ईयर तक के ईयर तक। ओके, तो इस तरीके से मैंने ट्विस्टिंग दोबारा से ईयर तक अपने कर लिया है कानों तक। अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे एंड बैक में जो हमने क्लिप लगाई थी वहाँ तक लेके जाएंगे। सॉरी, क्लिप नीचे गिर गई थी। तो इस तरीके से मैंने ट्विस्टिंग कर ली है एंड ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट का लुक आया है एंड बैक में आप चाहो तो ओपन रख सकते हो, लेकिन गर्मी यार बहुत तब आगे पड़ रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रहा है मुझे, तो मुझे यहाँ पे ओपन नहीं रखना। ओपन में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बट मैं खुले नहीं रख सकती थी क्योंकि मुझे यार का बर्थडे है, तो मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे पार्टी के लिए बुलाया है, तो खुले वालों में या तो कुछ भी नहीं हो पाएगा और कंफर्टेबल भी नहीं रहते। गर्मी के टाइम पे अगर खुले बाल रहे हैं तो बहुत इरिटेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे खुले नहीं रखूँगी। क्या करने वाली हूँ आपको अभी देखने को मिलेगा। तो पहले मैंने सिंदूर कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है। मुझे इसकी कमेंट आती थी कि मैम जो आप तिकोन करके सिंदूर लगाते हो वो बताइए कैसे लगाते हो, तो मैं इस तरीके से लगाती हूँ डियर। ओके, और इसको और भी ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए इस तरीके से फिंगर से कर सकते हो जिससे बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। तो इस तरीके से सिंदूर लगाती हूँ और बैक में अभी क्या करना है, बैक के बालों को मैं इस तरीके से कॉम करूँगी। ओके, एंड खुले चाहो तो आप खुले रख सकते हो बट मुझे नहीं रखना है, तो इस तरीके से सारे बालों को अच्छे से कॉम करूँगी एंड ऊपर की तरफ लेके जाके एक पोनी बना दूँगी। पोनी भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था इस लुक के साथ, साड़ी के साथ, तो टाइटली पोनीटेल बना लेंगे यहाँ पे। आप चाहो तो बन भी बना सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा और कम्फर्टेबल भी रहेगा। तो पोनी बनाने के बाद से मैं थोड़ा सा हेयर का पार्ट लूँगी एंड जो रबड़ बैंड दिख रहा है उसको हाइड करेंगे जिससे कि लुक जो है हेयर स्टाइल का लुक और भी ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा।
तो इस तरीके से मैंने लिया है हेयर का छोटा सा पार्ट और इस तरीके से रबड़ बैंड के ऊपर लपेट दिया है एंड यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। तो ये हो गया मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आपको? वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई पार्टी फंक्शन है, ऑफिस की पार्टी है, तो ये वाला लुक काफ़ी प्रोफेशनल और स्टाइलिश लगेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो साड़ी के साथ। तो साड़ी के लिए बेस्ट पोनीटेल हेयर स्टाइल था ये। वीडियो पसंद आई हो, एक छोटी सी बिंदी के साथ अपने लुक को कम्प्लीट करते हैं। तो चलिए फुल लुक दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने साड़ी बांध के किस तरीके से मैं दिख रही थी। तो हेयर स्टाइल तो आपने पूरा देख ही लिया है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो जो भी ट्राई करो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। रुकिए रुकिए जाइएगा नहीं, हेयर स्टाइल सॉरी इंस्टा आई डी PreetyY24 है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड ये देखिए मेरा फाइनल लुक कैसी लग रही हूँ। तो ये मेकअप ट्यूटोरियल जो मैंने गर्मियों में मेकअप गर्मियों के लिए मेकअप बताया है वो है ये, और इसका वीडियो फुल जा चुका है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके। और ये मैं पहुँच चुकी थी अपने सिस्टर इन लॉ के घर पे और वहीं पे ही मेरा वीडियो शूट हो रहा था। और ये बिफोर एंड आफ्टर। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई होगी यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई थी पल्लू के साथ और ऐसे, और यहाँ पे पेड़ था पीछे, तो यहाँ पे भी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो क्लिक कराई थी। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई एंड आपने मेरा फाइनल लुक भी देख लिया। तो फिर मिलते हैं, बार बार मैं पल्लू उड़ा रही हूँ और फाइनल लुक अपना दिखा रही हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। आपको किस